तो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है? क्या उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी? क्या साल 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा? और क्या उत्तर प्रदेश में अगर ये बड़ी हलचल होती है तो क्या इसका बड़ा असर दिल्ली पर देखने को मिलेगा? और क्या बड़ी तैयारियां पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी ने कर ली है? और कैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं बहुत बड़ी जानकारी कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10 सीटों पर, वो उपचुनाव भी बीजेपी हार रही है, हारने वाली है, हार सकती है, क्योंकि बीजेपी की अंतर्कला अब सीधे तौर पर खबर जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सियासी हालात क्या कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाना, कुर्सी से हटाना क्या संदेश देता है उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, ये तमाम जानकारियां लेकर मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं वो एक ऐसे चेहरे की जो चेहरा उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आखिरकार क्या ऐसी बात अब हो गई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते थे, उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर के नाम का डंका बज रहा था, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो रहे थे, तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, उत्तर प्रदेश को नीट एंड क्लीन कर दिया गया, साफ सुथरा बना दिया गया, तमाम योजनाएं लागू कर दी गई, उसके बावजूद क्या ये कहना कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कम सीटें लेकर आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो क्या ये कहना सही है? क्योंकि अब आपको यहाँ पर समझना ये होगा, तब आप धीरे धीरे ये समझेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक लंबी दीवार खिंच गई है। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां रैली कर रहे थे, एक ही नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। यही नहीं, सरकार जोर जोर से बोल रही थी, सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, तमाम ऐसी कई बातें कही हैं लोकसभा चुनावों से पहले। और तो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना आत्मविश्वास हो गया, उन्हें ये लगने लग गया कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो समझ लीजिए हम पूरी सत्ता ही जीत लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की तस्वीर को देखकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इनकी हालत हो गई। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार तस्वीर पलट कैसे गई। इन्हें तो उम्मीद उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन वहां तो समाजवादी पार्टी ने बड़ी बाजी मार ली, 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई। ये देखकर बुलडोजर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश में हो क्या गया? ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ, इसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, योगी आदित्यनाथ ये बात साफ कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए या कम सीटें जो बीजेपी की आई, इसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया गया कि किन कैंडिडेट को कहां पर उतारना है, किस प्रत्याशी को कहां उतारना है, आपने फिर भी नहीं सुना। सबसे चौंकाने वाली बात ये भी मान के चलिए कि जो अयोध्या की सीट है, वहां से वहां की जनता नाराज थी। जी हां, लल्लू सिंह से नाराज थी। और हम देखते भी हैं
बीजेपी जानबूझकर उतार देती है। और अब मैं बताता हूं कि कैसे बीजेपी का ग्राफ और गिर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के पास क्या विधायकों का बड़ा संख्या बल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये साफ कह चुके हैं 100 लाइए, सरकार बनाइए, हम कहां मना कर रहे हैं, आप विधायक लेकर तो आइए, मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा। अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी खाली नहीं करेंगे। तो इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, विधायकों के लिहाज से बात करें तो कितना संख्या बल केशव प्रसाद मौर्य के पास है, क्या इतने विधायकों का दम रखते हैं कि सरकार बना लें, मुख्यमंत्री बन जाएं? और क्या अगर इतना दम रखते हैं तो फिर तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती है, योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विधायकों का मैं जिक्र कर लेता हूं, हाल ही में बयान सामने आता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक हमारे साथ अच्छे खासे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाई। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने योगी सरकार से दूरी बनाई, जिसके बाद तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचले और बढ़ गए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य छटपटा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से सपना मुख्यमंत्री बनने का वो देख रहे थे। और तो और जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की नजदीकियां समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ रही हैं। खबर ये है कि अंदर खाने बात चल रही है समाजवादी पार्टी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो फिर रह के कोई फायदा नहीं है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अब सरकार गिरा देंगे योगी आदित्यनाथ की? और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख ही रहे हैं योगी मंत्रिमंडल के अंदर की जो तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे नेता और मंत्री जो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। हाल ही में कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का जो बयान सामने आया उसमें न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नाराजगी देखने को मिली, बल्कि ये भी देखने को मिला कि वो ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाना आसान नहीं। योगी आदित्यनाथ कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का बड़ा समर्थन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ पर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की कोशिश अभी हाल ही में हुई, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के कई बड़ी मीटिंग में वो शामिल होते हैं, दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश जाया जाता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को साझा करते हैं, जिसमें वो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है। और तो और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब हैं, दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए वो काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है विधायकों की संख्या बल के लिहाज से कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, देखिए अगर विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। और ऐसे में अगर विधायकों की बात कर लें तो केशव प्रसाद मौर्य डिस्क्लोज नहीं कर रहे। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बात कही गई है कि विधायक इतने तो हैं कि अपने दम पर सरकार बना लें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी के रास्ते केशव प्रसाद मौर्य के लिए खुल रहे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम कई बड़ी बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जहां मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है, जनता नहीं है, तो क्या ये सारी चीजें दिखाई दे रही है उपचुनाव से पहले बड़ा नुकसान हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को? और सपा के साथ हाथ मिला लेते हैं, विधायकों को लेकर चले जाते हैं, तो 27 के चुनाव से पहले गिर जाएगी सरकार, क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।